तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम लोग मौजूद हैं विजय श्री रंगमंच पर कोटा दशहरा मैदान में। इस वक्त आतिशबाजी का भी काम किया जा रहा, देखो ये आतिशबाजी और बॉम्ब वगैरह तैयार किए जा रहे हैं जो इसमें लगाए जाएंगे पुतलों में। ये देख सकते हो आप, तार में पिरो के बम्स को एक पूरी सीरीज बनाई गई है। ये वो बम गिर गया आपका। लो, ये कौन से पुतलों में लगाए जाएंगे? कौन से पुतले में जाएंगे ये बम? रावण में। अच्छा अच्छा, चलो। तो आप देख सकते हैं ये जो बम की लड़ी है, ये सीरीज पूरी तार में पिरो के ये लोग बीच वाले पुतले में लगाएंगे। इस तरह से आतिशबाजी का काम शुरू हो चुका है मतलब, और आज रात तक आतिशबाजी भी लगा दी जाएगी इसमें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रावण के पुतले को खड़ा करने का काम चल रहा है। 108 फीट लंबे पेड़े पर रावण को लिटाया गया है। उसका सिर और धड़ ऊपर पहुँच चुका है पेड़े पर। मेघनाथ तो खड़ा ही हो चुका है। मेघनाथ को दिख रहा होगा पुतला आपको सामने। बड़ी बड़ी क्रेनें काम कर रही हैं यहाँ पे। ये एक धड़ रखा हुआ है, ये शायद कुंभकर्ण का होगा। यहाँ पे एक घाघरी रखी हुई है और एक घाघरी इस तरफ रखी हुई है। तो इनको भी अभी इंस्टॉल किया जाएगा, यानी कि असेंबल किया जाएगा। इससे पहले अब हम देखें रावण की, आपको टांगे दिखाता हूँ, रावण के पैर दिखाता हूँ चल के। देखो रावण के पैर रखे गए हैं दोस्तों यहाँ पे। उसकी जूती का साइज़ देखो, गोल्डन कलर की जूती है। और पैरों का साइज़ देख सकते हो आप कितना ज़्यादा ह्यूज है, बड़े साइज़ के पैर हैं। देखो यहाँ पे मेघनाथ का धड़ रखा गया है और उसके पैर और उसकी घाघरी। तो इस तरह से पूरा इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है यहाँ पे। और 60 से 70 लोगों की टीम लगी हुई है लगातार शिफ्टों में। तो इस तरह से यहाँ पे रावण खड़ा किया जाता है। देखो ये रावण का धड़ रखा हुआ है, डिटेलिंग्स देख सकते हो उसके चेस्ट वाली, जो देखो झालर लगाई गई है, 3D लुक दिया गया उसको पूरा। ये देखो मेघनाथ का पुतला खड़ा हो चुका है। इस बार इन पे पॉलिथीन लपेटी गई है ताकि बारिश से सुरक्षा हो सके। लेमिनेशन किया गया है इनको एक तरीके से देखा जाए तो। और वहाँ पे रावण की घाघरी है गोल्डन कलर की, जो चमक रही है हरी लाल पीली नीली। चलो नज़दीक से दिखा के लाता हूँ एक बार। यहाँ आप देख सकते हैं कितना बड़े साइज़ का ये घाघरा है, रावण की घाघरी है। और इस पर गोल्डन कलर की और ग्रीन और रेड कलर की के काम किए गए हैं। देखो इसको उठाने में लगभग 50 से 60 मजदूर लगते हैं भाई एक बार में इसको शिफ्ट करने के लिए। देखो यहाँ पे रावण बनाया गया था इस पांडाल में, और पांडाल को ओपन कर दिया गया है। ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो चुका है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे फट भी चुका है, बट ये लोग उसकी रिपेयरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे भी एक छोटा पुतला रखा गया है। अब ये कौन सा पुतला होने वाला है ये मेरे को आइडिया नहीं है। या तो यहाँ पे 3-4 अलग अलग पुतले और रखे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये कहीं और जाने के लिए होंगे शायद। ये वाला जो पांडाल है यहाँ पे बनाया गया था, देखो इसको पूरा खोल दिया गया है। ये पहले पैक था। देखो इस तरफ भी एक पुतला रखा हुआ है, और उसी के साथ साथ फिर यहाँ अंदर भी पांडाल में कुछ पुतले मौजूद हैं। और ये किसी ना किसी रावण का सिर है जो यहाँ रखा हुआ है। देखो देख सकते हो आप, पीछे जो पुतले अभी देखे आपने जस्ट, ये यहाँ नहीं लगेंगे, ये कहीं और जाएंगे शायद, ऐसा कुछ है। तो और जो धड़ रखे हुए हैं मेरे ख्याल से तो एक्स्ट्रा धड़, ये भी कहीं और जाने वाले हैं, ये कहीं और जाने के लिए बनाए गए हैं। अभी वो रावण का जो इंस्टॉलेशन का काम है भाई, इंस्टॉलेशन ही कहेंगे और क्या कहेंगे, जोड़ने का काम चल रहा है। देखो दूर से दिखाता हूँ मैं आपको। देखो दो क्रेन की मदद ली गई है, एक छोटी क्रेन एक बड़ी वाली क्रेन। बड़ी वाली क्रेन ने संभाला हुआ है, छोटी वाली उसका हाथ बटा रही है, हेल्प कर रही है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा लेट आया हूँ यहाँ पे। कई यूट्यूबर्स ने पहले ही डाल दिया वीडियो बनाकर, और ये काम शायद दिन में 12-1 बजे के आसपास शुरू हो चुका था यहाँ तक लाने का, और ये पुतले खड़े करने का काम। वहाँ पे मेघनाथ के पैर लगने जा रहे हैं, मेघनाथ का पुतला भी लग चुका है ऑलरेडी। इस पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। और इस बार ये वाटर प्रूफिंग का काम कर दिया गया है क्योंकि बरसात का डर है, तो इस पर पन्नी लपेटी गई है यानी लेमिनेशन कर दी गई है। तो ये एक तरीके से वाटर प्रूफ हो जाएगा, वाटर रेजिस्टेंट हो जाएगा, मतलब हल्की फुल्की बारिश का असर नहीं होगा इस पर।